फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने अपमान का या बेइज्जती का बदला ले सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम सबकी लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आता है जब लोग हमारे मुंह पे बेइज्जती करके चले जाते हैं। अब चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, कोलीग्स हों या हमारा क्रश ही क्यों ना हो, दोस्तों ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि जब हमारी कोई बेइज्जती करता है तो हमें गुस्सा आता है, और जब हमें गुस्सा आता है तो कई लोग लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं और क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। पर दोस्तों, आपको ये सब नहीं करना है, आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है। और यही होती है एक बुद्धिमान व्यक्ति की महानता कि वो चुप रहे और वो अपने एक्शन के बारे में प्लान करे, अपने आप को चेंज करे, अपने आप को डेवलप करे, अपनी आदतें बदले, और जिस दिन आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन गए, उस दिन अगर उस बंदे से आपकी दोबारा मुलाकात हुई तो आपकी काबिलियत ही उसके मुंह में आपकी बेइज्जती का तमाचा होगी। दोस्तों, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि खुद को अगर कमजोर समझोगे तो कमजोर ही बनोगे, और अगर खुद को ताकतवर समझोगे तो ताकतवर बन जाओगे। तो आपको ऐसी सिचुएशन में ताकतवर बनना है, मेहनत करनी है एक सक्सेसफुल इंसान बनने की। तो दोस्तों, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। दोस्तों, एक बार रतन टाटा फोर्ड कंपनी के मालिक विल फोर्ड के पास गए। तब उनकी टाटा पैसेंजर व्हीकल डिवीजन की अच्छी हालत नहीं चल रही थी, मींस वो लॉस में आ रही थी। तब उन्होंने विल फोर्ड को रिक्वेस्ट किया कि आप उनकी ये कंपनी खरीद लें। तब विल फोर्ड एग्री तो हो गए, लेकिन उन्होंने रतन टाटा की थोड़ी सी बेइज्जती कर दी और उन्होंने कहा कि जब आपको काम करना नहीं आता तो आप करते क्यों हो, और जब आपको कार बनानी आती नहीं तो आपने कार बनानी शुरू ही क्यों करी। और ये बात रतन टाटा के दिल पे लग गई। कहते हैं दोस्तों, जब इंसान के दिल में बात छुप जाती है तो एक बड़ा चेंज आता है, और ऐसे ही चेंज लाए रतन टाटा इंडिया वापस आए, और उन्होंने अपने इंजीनियर और अपनी टीम से बस ये कह दिया कि हमको अपने टाटा पैसेंजर व्हीकल डिवीजन में सबसे ज्यादा फोकस करना है। और उस दिन से उन्होंने दिन रात नहीं देखी और सारे प्रयास करे, मेहनत करी, और थोड़े दिन बाद उनकी डिवीजन मुनाफा कमाने लगी। और इत्तेफाक देखिए कि फोर्ड ग्रुप के बिजनेस में लॉस आने लगा, और ऐसा वक्त भी आया जब रतन टाटा से मिलने विल फोर्ड खुद आए और अपनी टॉप ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट की। रतन टाटा ने उनकी दोनों कंपनियां खरीद ली और बिना किसी बेइज्जती के, और यही होता है एक महान व्यक्ति की महानता। तो दोस्तों, बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपकी बेइज्जती करे या आपका अपमान करे, आपको उसकी कंप्लेंट नहीं करनी, आपको क्रिटिसाइज नहीं करना, आपको करना है तो बस खुद को चेंज करना है, खुद को डेवलप करना है, और खुद को इतना सक्सेसफुल बना देना है कि लोग आपको देखते रह जाएं, और यही होगा आपकी बेइज्जती का बदला। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताइएगा, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक बी इंस्पायर्ड एंड स्टे ट्यून्ड विद मृदुला बोरा।